वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग में अभी मैं जस्ट रुकी और बाल गए, अभी मैं करूँ नाश्ता, चाय नाश्ता। सो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बस मैंने नाश्ता कर लिया है और मेरा ना गला बैठ चुका है। मेरा ना कल एसएस का पेपर, एसएस के पेपर वाले दिन मेरा गला खराब हुआ है और एसएस के पेपर वाले दिन खराब होना था। ये ऐसा सब्जेक्ट किसने बोला है? मुझे उससे मिल गया, इतना घटिया सब्जेक्ट, वो भी हिस्ट्री। किस को हिस्ट्री नहीं पता है, पसंद। मैं ना ऐसे पढ़ते पढ़ते दिमाग में बोला हिस्ट्री किसको नहीं पसंद, कॉमेंट में बता देना। और किसी के पेपर में मेरा इतना गंदा स्टडी टेबल में जितना एसएस के पेपर इतना बदतर हो रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। पता ही नहीं कहाँ पे, यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं पता रही है मेरी क्रिएटिविटी। पता नहीं कहाँ पे क्या क्या, 2 मिनट रुक के इसको सेट करते हैं। लेट्स सो गाइस सी, अब ये पूरा अच्छे से बन गया है। इट्स लुकिंग वाह, ट्रांजेक्शन लग रहा है, उतनी मेहनत लगी इसको इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए। नॉट इज एनीथिंग इज नॉट सिंपल, कभी यूट्यूबर की लाइफ भी बहुत सिंपल है। एग्जाम टाइम पर मैं ब्लॉगिंग कर चुका अकेले, क्योंकि मम्मा गई हुई है बाहर, मैं अकेली हूँ और नाना नानी घर पे। तो गाइस सिंपल ट्रांजेक्शन के लिए भी इतनी मेहनत लगती है, देख लीजिएगा। सो गाइस अभी मेरे पेपर चल रहे, तो आई थिंक मैं व्लॉग्स थोड़ी कम डाल पाऊँगी, लेकिन पेपर के बाद आपको बहुत सारे व्लॉग्स मिलेंगे। सो या शायद मैं इस महीने में थोड़ी सी कम वीडियो डाल पाऊँ, लेकिन आपको उतना ही सपोर्ट करना है और उतना ही प्यार देना है मेरी वीडियोज़ को, ताकि हमारी भी एक ग्रेट यूट्यूबर फैमिली बने। और अगर आपको कॉमेंट ऑफ द डे बनना है तो कॉमेंट में कॉमेंट भी कर देना, तभी तो बन। पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा प्यास एंड आंटी, सो गाइस अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, क्योंकि पढ़ाई है। और कल तो सबसे घटिया सब्जेक्ट एसएस का पेपर है, अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट। गाइस पढ़ाई करने से पहले मैं आपको आर्ट दिखाती थी गणेश जी की, कैसी कमेंट पर बताने, कमेंट करना फिर। नाउ यू कैन सी मी ऑल गाइस, सबसे ज़्यादा हार्ड हो चुका है इतने बड़े बड़े आंसर्स में कैसे याद करूँ, कर नहीं पाया मम्मा बोलती है। मैं मम्मा को ये बोलूँ ना, मम्मा इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को मतलब आंसर से कैसे याद करूँ, मम्मा बोलती है हाँ ये दस 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 एक एक हफ्ते की छुट्टी हुई उसमें याद नहीं कर सकती, उसमें इतना बात क्या मैं दिया गया है, क्योंकि ऐसे से हम क्या करूँ, गलती मेरी भी है गाइस, लेकिन गलती सबसे ज़्यादा टीचर्स की, इस इंसान की जिसने एसएस बनाया, साइंस बना दी थी सारे सब्जेक्ट बना, लेकिन एसएस नहीं पढ़ सकते हम बच्चे, इतने बड़े बड़े आंसर ऊपर से पता नहीं मोहब्बत गजनी मोहम्मद, मैंने सच कहते कि याद ही नहीं करना। लेकिन इंटरेस्ट इज़ बेस्ट, तो हम इसमें भी इंटरेस्ट लेंगे एक्चुअली गाइस। ना मैंने ना बहुत छोटे छोटे कर रहे आंसर, मेरी मम्मा एसएस की टीचर है बट शी टीच मैथ्स, सो उन्होंने ही मेरे को आंसर्स करवाया एंड सच में गाइस बहुत इजीली मेरे को इतने बड़े बड़े आंसर्स याद होते, मैंने खुद लिखा है इतना बड़ा आंसर, हाँ खुद से बिना देखे बिना याद करे एक बार भी, बस मम्मा ने मेरे को पढ़ाया मैंने करा। सो ऐसे ही हमें तैयारी करनी थी, मेरा क्यूट सा बनी भी सोच रहे कहाँ है इसका पेपर आया, अब मैं और नहीं पढ़ा सकता। गाइस अगर आपको ये दुख कम करना है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल प्लीज़। वट इज़ ओशन करंट्स? ओशन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ ओशियन वाटर कंटिन्यूसली फ्लोइंग इन डेफिनेट डायरेक्शन, दे आर ओशन ऑफ द करंट। सो गाइस अभी मैं बर्फ में बैठा आपको बाद में बता रहे, हे जादू की छड़ी मेरे पे जादू कर दो, मेरे को सब याद करवा दे प्लीज़। हे राम 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 राम, ऐसा जादू मत कर मत कर मत कर, कर कर मत कर दे। गाइस मुझे याद नहीं हो रहा कुछ भी, सच बोल रही हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी याद नहीं हो रहा, याद होगा मुझे याद होगा। ट्राई करने के बाद लंच में मैं खा रही हूँ खमन, ब्रेकफास्ट खा रही हूँ। आपको खमन पसंद है कि नहीं?
आई रियली लाइक इट। तो मैं आपको खाते मिलती हूँ। मैं दोबारा पढ़ने बैठ चुकी हूँ। मेरा एग्जाम है, एग्जाम टाइम पे पढ़ने के सिवाय कुछ और काम होता ही नहीं किसी के पास भी। हाँ मम्मा थोड़ा मोड़ा काम करते वो बात अलग है। और अभी बच चुके हैं 12, तो मम्मा भी 1 घंटे में आ जाएगी 1:00 को, तो तब तक मैं पढ़ाई करूँगी, उसके बाद दिखाऊँगी मैं क्या करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो कि फुल डे का व्लॉग है। मैंने आज तक कभी भी फुल डे का व्लॉग नहीं बना, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग था वो भी फुल डे का नहीं था, वो भी हाफ डे का था। तो फर्स्ट व्लॉग प्लीज़ इसको ढेर सारा प्यार देना और जल्दी से सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी भी बिग यूट्यूब फैमिली बने। 10K तो करवा दूँ गाइस जल्दी। एग्जाम में बोर्ड लेके जाते हुए ये है प्री फाइनल्स का बोर्ड है, ये मैंने खुद डेकोरेट करा और इसके ऊपर मैंने कवर करा है स्मूथ। और एग्ज़ाम्स के बाद आपको मिरर आर्ट की वीडियो आएंगी, क्योंकि मैंने मीशो फाइंड मिरर आर्ट ऑर्डर। मैंने सभी सो रहे हैं, सभी सो रहे हैं, और ये ट्राई कर उसका गर्म हो जाएगा, कल डाल दूँगी। एक्चुअली मैं ये रेसिपी फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली ना गाइस मैं ये रेसिपी फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, इससे पहले मैंने भी ट्राई नहीं करी। तो सो लेट्स सी, अभी सभी सो रहे हैं, मैं मम्मा से पूछ के रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। मैंने सारी की सारी इसमें डाल दी है, लेकिन गाइस ये बहुत ज़्यादा वास कर रही है। सारे तलने के लिए रख दिया, अभी मैं सब्जियाँ चॉप करूँगी। बात मैंने गैस ऑफ कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं सारी फ्राई करनी और आ रही है टमाटर, इन सबको चॉप करने की। सो लेट्स डू इट, मैं ऑनियन चॉप कर रही हूँ। सो गाइस अभी दोपहर को सब सो रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा आराम से तेल डालना होगा ऑयल, क्योंकि मेरे को गैस के पास जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने ये बनाया, तो अगर नानी उठ गई तो मेरी खैर नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डांट खाऊंगी। लेकिन हम थोड़ा आराम से करेंगे कि नानी को पता ही ना चल रहे। सो मैंने बहुत धीरे से ऑयल डाला सारा का सारा। सच में गाइस बहुत ज़्यादा डर लगता है दोपहर को, और सभी सो रहे थे स्पेशली। लेकिन आप में से कौन कौन ऐसे करता है ज़रूर कमेंट में बताना। सो मैंने सब कुछ अच्छे से डाल दिया है, ये रेसिपी बन चुकी है। एक्चुअली हमने ट्राई भी कर लिया, बहुत अच्छी बनी है सच में, आप एक बार ट्राई करना। मैंने जो रोटी है उसको ट्रायंगल में कट करके तेल में तल, और प्याज टमाटर हरी मिर्च ये सब भी ले लिया। आप कुछ थोड़े से मरमरे ऐड करें, और मसाला ऐड करा चाट मसाला, पानी पूरी वाला मसाला ऐड करा चलो और टेस्टी हो। और मरमरे और पापड़ी ऐड कर दे, और नींबू ऐड कर दे टेस्टी वाली टेस्ट, और एक कोरिएंडर का मसाला ऐड कर दे, बहुत टेस्टी है। इतना टेस्टी है ना ये, मतलब रोटी से बना स्नैक इज द वर्ल्ड बेस्ट। इतना ज़्यादा क्रिस्पी है ये, रियली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, यम्मी। मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ मैंने सोचा था कि बनाऊंगी, बट मेरा एग्ज़ाम है, और आपको पता है जैसे कि कल SST का पेपर है, तो मैं पूरे दिन तो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं बनाऊँगी। लेकिन फिर अभी मैं पढ़ाई करूँगी इसके बाद कंटिन्यूसली, तो उसमें आप क्या ही देखोगे, तो सॉरी बट बाय बाय। मैं ट्राई करूँगी कि मैं फुल डे का व्लॉग बनाऊँ, लेकिन आप उतना ही सारा प्यार देना। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को।